वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग। और मैंने आज रुस्तमी को सुधार दिया। जहाँ बोलता हूँ वहीं बैठी रहेगी अभी। जैसे वो बैठे रहते, क्या नाम है उसका, वो मेरा रोमियो। रोमियो ऐसी सीख गई रुस्तमी। नहीं सकती। काफी लोगों ने मांगे थे बच्चे दे देंगे। एड्रेस डीएम कर देंगे। कहाँ एड्रेस डीएम कर देंगे और बच्चे ले जाना आप गाइस। ठीक है बाकी आप कुछ डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे। डॉग्स पेट क्या बोलते हैं पपी का फुल्ली डिस्काउंट चल रहा है। आइए और ले जाइए। ओनली फॉर फ्री है ना। उधर जा रही है ना रुस्तमी। इधर चल इधर चल इधर 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 भाई वही रे वही रे। मेरी नहीं सुनेगी इतनी। हेलो कर। समझे। हेलो कर। फाइनली गाइस रुस्तमी को मैंने डाल रुस्तमी इधर आ डाल दिया खौफ में। आजकल अब इसके टीचर बने हो बोले ना। इधर बैठ देख इधर आएगी। इधर बैठ इधर आ। सही यार आपकी तो पूरी बात मान ली। बैठ बैठ। हेलो कर। नहीं तो ना आंखों में देख मेरी पता है ना। बैठ स्कूल भेज दे करें। यही बैठी रहे यही बैठी रही हो इधर गए ना तो ध्यान रख लियो। एग दो इसे एग। एग तो खैर खिलाएंगे। यही बैठी रही आदत बिगाड़ दी बेटा आपने इसकी। मैंने इसकी आदत सुधार दी जो गलियों में कूड़े में घूम। ए इधर बैठ। मगर एग खिलाने की तो डाल दी। नहीं वो तो कोई नहीं खाने पीने की आदत ठीक हो। एग के बाद पता है ये रोटी नहीं खाती। एग के बिना रोटी खा लेकर बोलो सिखाओ। तो मैं सो मालिश कर। आज ना अपने एक हीरो वाला लुक ले रखा है पूरा। मैं गाना सेंड करूंगा आपको ठीक है जिसमें वो फोन नहीं तोड़ देते फेंक के। अच्छा उसमें ऐसी जैकेट पहन के आता है। वो एक गाना सुना होगा आपने। हाँ, है ना। हाँ, ऐसे ही जैकेट पहन रखे थे उसने ऐसे वो पहन रखा होता है। तो गाइस अभी हम शादी में ये तो है ही मस्त गिफ्ट है। किसने दिया गाइस मुझे ना गिफ्ट बहुत मिलते हैं बहुत यानी कि आप यकीन नहीं मानोगे। मैं ऊपर से नीचे तक गिफ्टेड हूँ। ये गिफ्ट गाइस ये गिफ्ट किसने दिए बस किसने दिए। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा अफसोस ये है वो सामने रहता है मैं सामने रहता हूँ बस। कोई नहीं वो सामने वाला टुकड़ा आपके घर आ जाता है आप उसके घर आ जाते हो। तो और क्या चाहिए बस मजे। तो हम शादी में जा रहे हैं शादियों के लिए कपड़े वो तो हम गाइस लाएंगे और हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी। 27 तारीख से 28 तारीख से फंक्शन स्टार्ट है। हाँ, और जिसके लिए हमें कमाने पड़ेंगे इतने ढेर सारे पैसे। तो वो तो आप कमाते ही हो। कमाते हैं लेकिन और कमाने पड़ेंगे गाइस। पता है क्या है सेविंग करो हुआ पैसा मन नहीं करता खर्च करने का। मन करता और कमाओ फिर खर्च करो। सही मैंने गुल्लक दिखाया था इनको। हाँ। मैंने छोटा सा गुल्लक डाला और मेरे गुल्लक में मैं डेली 500 रुपए डालते हो या ना हो ये भी बहुत तगड़ी सेविंग रहती है गुल्लक वगैरह की। सही है तो गाइस हम सेव करते हैं फिर घूमने जाते हैं। हम ऐसे नहीं जब मन किया जब उठ के चले गए। हम लोग टाइम टू टाइम चीजें करते टाइम टू टाइम। अभी हम जैसे कि कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं पहले हम सेविंग करेंगे उसके बाद हम बाहर जाएंगे। गाइस मेरे फोन में रहेगी 1% बैटरी तो मैं चला फोन चार्ज करने। और आज इन्होंने एक और चीज की थी पूछो क्या। तो गाइस मैं ये ऑफिस से आ रहे थे और बात करते हुए आ रहे थे और इनके फोन की लीड की बैटरी खत्म हो गई थी मेरी। फिर मैंने कहीं रुक के चार्ज करी फिर मैं बात करते हुए आया। मजा आ गया बहुत मुझे लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोऊंगा। नींद आ रही है मुझे भाई। खाना खा लो पहले फिर सोना। हमने जोमेटो से ऑर्डर कराया गाइस। क्या देखो आपका फेवरेट बिट्टू टिक्की वाले से नहीं करा आज मैंने साउथ का करा है। गाइस जल्दी जल्दी आओ मेरा बैटरी लो होने वाली है। देखो अरे यार ये देखो शगुन रेस्टोरेंट नहीं इसको तो रिमूव कर दो। ये देखो गाइस मेरा ऑर्डर चल रहा है। ये
31 मिनट दूर है अन्ना से, आ रहा है अन्ना साउथ। कहाँ गया यार मेरा ऑर्डर? अरे कहाँ गया? नीचे शायद, ये रहा ना? नहीं नहीं नहीं, यही है, ये रहा, ये रहा, ये रहा गाइस। इडली सांभर, एक पनीर मसाला डोसा, एक वन लेमन राइस। लेमन राइस पहली बार ट्राई कर रहे हैं? हाँ मैं खाऊंगा। नहीं मैंने पहले खाया है लेकिन अच्छा टेस्टी है। पनीर मसाला डोसा प्रीतो का और इडली सांभर दीपिका जी का। ओह माय। तो गाइस यहाँ पे सबके कमेंट लाइक किए जा रहे हैं। जिसमें मैं नहीं होता वो वीडियोस चलती नहीं है उतनी। अरे आपको ज्यादा पसंद करते तो सबके कमेंट लाइक करें। मैंने तो अभी तक पढ़ा भी नहीं है, मगर सब पॉजिटिव है, सब कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मैंने पढ़े हैं। सेकंड ब्लॉग आपने देखा कितने हो गए हमारे सब्सक्राइबर? कितने सब्सक्राइबर हो गए? 34K हो चुके हैं। इसमें थे आप? इसमें मैं था। थोड़े से दिखते हो आप। तो वह सारे कमेंट लाइक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए सबको। पापा चाइना से दिखाइयो क्या लेके आए तेरे पापा चाइना से। ये देखो, ये तो लड्डू की टी शर्ट है। और ये देखो, ये भैया की टी शर्ट है। ओ भाई, ये है। और ये है भाई खतरनाक दीक्षा दीदी की। और ये है माइकी, इसमें पर है फोटो नहीं है इसमें। हाँ इसकी फोटो नहीं थी मेरे पास और उन्होंने पूछा भी नहीं। मेरे पास थी तो सही। तो दीक्षा दीदी मेरी बात सुनो, यहाँ पे मम्मी पापा की फोटो लगवा लेती क्योंकि कहीं तुम घूमने जाओ तो खो जाओगी तो पता चल जाएगा ना गुड्डू की बेटी है। सही बोले? बोलता नहीं मैं। और क्या लाए तेरे पापा? और क्या लेके आए? और मम्मी का सामान है। इस तरह। और मम्मी। तो गाइस आज मैंने बनाए छोले भटूरे। तो उसके पापा चाइना गए हुए थे तो चाइना इंडियन से आ चुके हैं। इंडियन फूड नहीं मिला, नहीं मिला उन्हें, तो इसीलिए मैंने आज छोले भटूरे बनाए। फिर बच्चे बहुत दिनों से बोल भी रहे थे कि मम्मा छोले भटूरे बनाओ, नान बनाओ, दाल मखनी बनाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो जब तक खाते ही नहीं है बच्चे खाने। इंडियन फूड ही बना दिया इन्होंने छोले भटूरे, तो हमारे देश की शान है, शान पंजाब की शान। पापा लाए थे ये दिखा मम्मी के। वाह ब्यूटीफुल। और दिखा, अभी दिखाते हैं। और ये केयरिंग्स पसंद आए थे मुझे, तो ये पन्नी भी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी अच्छी लग रही है ना। ये लाया पापा। और ये वाओ, ये बो वाले भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने सोने के बनवाने के लिए। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को, तो मतलब ये वो अच्छी लग रही है, क्लिप पे अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। और इयररिंग्स ये वाले तो मुझे इतने सुंदर लगे हैं ना, इतने सुंदर लगे। ठीक है ये बस मैंने मेरे को तो सबसे ज्यादा ये दोनों अच्छे लगे। अभी इन्होंने रुस्तमी को बहुत समझाया है, बहुत क्लासेस दी हैं, तो इनकी मेहनत सफल हो रही है दिन पे दिन। पूछो क्यों? तो गाइस रुस्तमी ना क्या बोलते हैं, बाइट करने लग गई थी, अभी एग्रेसिव हो गई थी, तो खाना वाना भी जगह जगह खा रही थी, तो कहीं भी चली जाती थी, कुछ भी खाने लग जाती थी। तो अभी 2-3 दिन से ये उसको फुल ट्रेन कर रहे हैं, तो ये उनकी बात मानने लगी है। तो थैंक्स, इतने अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं ये। और यहाँ पे स्वीट प्रीति का लिंक आ रहा है, इसको फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, दीपिका सिंह को भी और स्वीट प्रीति को भी। तो #Bittu #Preeto #Deepika लगाना ना ही भूलिए गाइस, तो क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यार देखो आपको पता है आई एम सिंगल, तो बट मेरी मेहनत रंग लाएगी जब आप उसको प्यार दोगे। तो थैंक यू सो मच। आप वैसे भी हमें बहुत प्यार करते हो, तो सारे कमेंट्स के हमने लाइक किया है, सबको प्यार दिया है, थैंक यू सो मच भी बोला है, तो आपके बहुत स्वीट कमेंट आ रहे थे। और कोई मेरे से योगिता जी में भी शायद मेरे से पूछी थी आपके बालों का हेयर कलर का शेड क्या है, तो मेरा है वाइन कलर बालों का शेड, जो कि अब फेड हो गया है, मेरे को दोबारा से कराना है, मगर देखते हैं अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा, फिर शादियाँ हैं घर में, तो मैं सोच रही हूँ उसके बीच में ही कुछ कराऊँ, तो अभी तो नहीं।
को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे आप मेरे सारे ब्लॉग को प्यार देते हैं, इसको भी वैसे ही दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय गुरु जी।